अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइपिंग जॉब के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन टाइपिंग जॉब फ्रॉम होम। इस वीडियो में जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ ऑनलाइन टाइपिंग जॉब के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टेंट राइटिंग के बारे में, यहाँ पर आप जस्ट 16 लाइन्स को टाइप करके $8 से $10 जो है ना वो ईजीली से कमा सकते हैं। जो ये तो मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ वो रियल है, वो जेन्युइन है, यहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह जो है वो नहीं होगा। और उसके अलावा मैं आपको पेमेंट के मेथड भी बताऊंगी कि आप यहाँ से पैसे किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं जी कंटेंट राइटिंग या फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में, जहाँ पे हमने कंटेंट राइटिंग करनी है, टाइपिंग वर्क करना है। उस वेबसाइट का जो है वो नाम है वो है academia/research.com। ये क्या है जी, ये ऑनलाइन एकेडमिक राइटिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड टास्क और वर्क मिलेगा। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले या फिर यहाँ पे जो है इसका मेथड्स वगैरह एक्सप्लोर करने से पहले पहले हम देखते हैं कि वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है, फिर जो है हम इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्कैम एडवाइजर में मैंने मूव ऑन किया, स्कैम एडवाइजर पे चेक कर लेते हैं इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी, कि वेबसाइट कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगर ऑथेंटिक होगी फिर हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका हाई ट्रस्ट रेटिंग, द साइट लुक सेफ टू यूज, मतलब कि ये जो है इसका ट्रस्ट रेटिंग हाई है, आप इस पे काम कर सकते हैं और पैसे जो है ना वो कमा सकते हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया इस वेबसाइट पे। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले जो है हम इसको पहले एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे हमने काम किस तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस वेबसाइट का नाम है जी एकेडमिया रिसर्च। उसके बाद ये क्या कह रहा है जी, इंजॉय राइटिंग, ज्वाइन अवर नेटवर्क फ्रीलांस एकेडमिक राइटर। तो इसको देखते हैं पहले कि हाउ इट वर्क, उसके बाद करियर ग्रोथ, हाउ टू स्टार्ट और इसका पे रेट। हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 ऑर्डर इस टाइम इनके अवेलेबल हैं और 1000+ इनके लॉयल कस्टमर हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस जो है वो उन्होंने शेयर किया हुआ है कि ये कंपनी जो है वो 2004 से मार्केट के अंदर है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं जी, ओनली वेरीफाइड कस्टमर, यहाँ पे वेरीफाइड कस्टमर होते हैं। वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि लाइक जिस तरह आपको पता है अपवर्क पे काम करते हैं, तो अपवर्क की कोई भी क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो क्लाइंट की जो प्रोफाइल होती है वो वेरीफाइड होती है। तो अगर क्लाइंट की प्रोफाइल जो है वो वेरीफाइड होती है तो ही हम जो है उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि अकाउंट क्लाइंट के अकाउंट की प्रोफाइल वेरीफाई होगी तो हम उसे काम करेंगे उसके साथ, ताकि हमें पैसे मिले, हमारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। उसके बाद नो मेंबरशिप फी, यहाँ पे आप अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं यहाँ पे आपका 0 इन्वेस्टमेंट है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा काम करने का। उसके बाद चैट विद कस्टमर, आप उनके जो कस्टमर हैं या फिर जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ चैट कर सकते हैं। पेमेंट्स ऑन टाइम, आपको पेमेंट जो है वो टाइम पे की जाएगी। उसके बाद पर्सनल अकेडमिक ऑन बोर्डिंग और राइडर सपोर्ट 24 आवर्स, ठीक है। अब जो है बात करते हैं जी इनके पेमेंट मेथड की। इनके पेमेंट मेथड कौन कौन से है, पियोनियर इनका पेमेंट मेथड है, वायर ट्रांसफर इनका पेमेंट मेथड है और रिवॉल्व पेमेंट मेथड और पेमेंट्स। तो आप जो है पियोनियर को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि पियोनियर जो है वो एक ऐसा इंटरनेशनल अकाउंट है जहाँ से आप जो है वो पेमेंट ईजिली से विड्रॉ कर सकते हैं पाकिस्तान में रह के, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखें इनके रिसेंट ऑर्डर कौन कौन से हैं। अब बात अब यहाँ पे ये आती है कि बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें राइटर पे अप्रूवल नहीं मिली है, या फिर अभी वो लोग मतलब फ्रीलांसर को हायर नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम इनके रिसेंट ऑर्डर कितने ज़्यादा है। रिसेंट ऑर्डर आप देखेंगे, वंडरिंग इफ दिस जॉब कवर योर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, तो आप इनके देखें टॉपिक क्या का है जी, फिर लेवल कौन कौन से इनको रिक्वायर है, फिर इनकी डेडलाइन देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस देख सकते हैं और सैलरी दे सकते हैं। अभी एक टॉपिक है हिप्नोटाइज योर सेल्फ इनटू द गोस्ट। अभी इनका लेवल क्या है जी, क्या लेवल होना चाहिए, अगर कोई फ्रीलांसर इस प्रोजेक्ट को पकड़ता है उसका लेवल जो है मास्टर होना चाहिए। डेडलाइन शेयर की है नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि 12 पेजेस लिखने के आपको $40 जो है ना वो पे किया जा रहा है,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेंटेन योर पीसी परफॉर्मेंस। ये अंडर ग्रेजुएट भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये इशू नहीं है कि ग्रेजुएट ही काम कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। 17 आवर इनका डेडलाइन है और 7 पेज लिखने के आपको $140 पे किया जा रहा है। नेक्स्ट इन द प्रोजेक्ट इज फिलोसफी एज अ साइंस, तो हाई स्कूल वाले भी स्टूडेंट लोग यहाँ पे काम करके 57 पेज लेकर $260 जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। होम रेमेडीज फ्रॉम ब्लिस्टर्स, ये एक टॉपिक है। अच्छा, ये भी बड़े व्यूअर्स पूछते हैं कि जी हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे आपने टाइपिंग वर्क करना है। टाइपिंग वर्क से रिलेटेड अभी प्रोजेक्ट है होम रेमेडी फॉर ब्लिस्टर, ये आपने टाइप करके रिसर्च करके गूगल स्कॉलर्स को सर्च करके लिख के क्लाइंट को सेंड करना होता है और ये टाइपिंग वर्क होता है, यही कंटेंट राइटिंग होती है। तो ये जो है लेवल जो है ना, जिसने भी इसको प्रोजेक्ट को गेन करना उसका PhD लेवल होना चाहिए। $90 आपको चीज के पे किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें आप इनके व्यू मोर ऑर्डर्स भी देख सकते हैं, उसके अलावा भी आप ऑर्डर देख सकते हैं। आपको न्यू ट्रेंड के यहाँ मिलेंगे और यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे जो है फ्यूचर ऑफ डिजिटल इनोवेशन का आप देख सकते हैं, $118 आपको पे किए जा रहे हैं। तो इस टाइम इनके जो ऑर्डर है ना ये अवेलेबल है इस टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो जर्नल जो है ना, अब आप देख सकते हैं इनका लेवल। अब जर्नल जो है अगर $3 पर पेज है, अगर कोई जो राइटर फ्रीलांस राइटर जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल है और कॉलेज पेपर है, उसको जो है पर पेज के हिसाब से $3 पे किए जाएंगे, ये जर्नल है। और एडवांस में अगर कोई कॉलेज का है जो स्कूल का है तो उसको $3 पे किए जाएंगे। अगर वो जो है वो कॉलेज का है और अंडर ग्रेजुएट है उसको $7 पे किए देंगे पर पेज के हिसाब से। और अगर जो है वो ग्रेजुएट्स है, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर पेपर है तो उसको $10 पे किए जाएंगे पर पेज के हिसाब से। और अगर जो है वो मास्टर और PhD है तो उसको $12 पे किए जाएंगे पर पेज के हिसाब से। तो ये आपके आप ये कह सकते हैं आपके लेवल आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे किया जाएगा। अब टर्न आती है जी हाउ इट वर्क, अब यहाँ पे बात आती है हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सिंपल, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है जी, साइन अप करना है आपने गेट स्टार्टेड बाय द सबमिटिंग अ फॉर्म इन लेस देन 5 मिनट। मतलब कि एक फॉर्म है, मैं आपको सबमिट करना दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह से सबमिट करना है। उसके बाद टेक अ इंग्लिश प्रोफिशिएंट टेंस एंड राइट अ शॉर्ट एसे। आपने क्या करना है, एक इंग्लिश का ग्रामर का टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपने पास करना है। उसके बाद आपने जो है ये आपको एक सैम्पल वर्क देंगे, वो आपने इनको टाइप करके देना है। फिर उसके बाद जो है ना इनकी HR टीम उसको रिव्यू करेगी, अगर तो उनको लगेगा कि आप कैपेबल हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे टेस्ट पास करने के बाद और सैंपल राइट करने के बाद। फिर ये क्या जी, स्टार्ट करियर गेट पेड। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे जो क्लाइंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो जो है उनका टेस्टिमोनियल भी उन्होंने शेयर किया है। उसके बाद अबाउट राइटिंग जॉब्स ऑन और प्लेटफॉर्म, रियल टाइम अपडेट्स होती हैं, ग्रेट पे रेट, क्विक प्रमोशन, नो सेट आवर्स, मतलब आप कहीं भी बैठ के जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनका पे रेट देख लेते हैं, फिर हम इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पे रेट पे मैंने क्लिक कर दिया, पे रेट पे जब आपने क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगी जी। देखें हाउ मच डू वी पे, कितना ज्यादा हम पे करते हैं। वी ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्राइसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ये वर्क पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के वर्क को किस तरह की पेमेंट करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर एजेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जितना ज़्यादा ऑर्डर कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा ये आपको पे करेंगे। वी आर आल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ राइटर, वाइल बिगिनर स्टार्ट एट द स्टैंडर्ड लेवल प्राइस, एक्सपीरियंस राइटर विल बी एबल टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स हाईली पेड ऑर्डर्स। जो बिगनर्स होंगे ना उनको ये थोड़ा सा कम पे करते हैं, स्टैंडर्ड लेवल का पे करते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस राइटर है उनको ये अच्छा खासा पे करते हैं, और वो राइटर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर गेन करते हैं उनको ये अच्छा खासा पे करते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं जी, बेसिक पर पेज प्राइस उन्होंने सेट की हुई है कि जी अगर आप अर्जेंट ऑर्डर को पिक करते हैं तो हम आपको क्या पे करेंगे, अगर आप नॉन अर्जेंट को पे करते हैं तो हम आपको क्या पे करेंगे। अगर तो आप जो है वो अर्जेंट ऑर्डर को पिक करते हैं हाई स्कूल लेवल पे तो $3 से $4 आपको पे किया जाएगा, और अगर नॉन अर्जेंट तो $1 to $2 पे किया जाएगा। फिर कॉलेज, फिर अंडर ग्रेजुएट, फिर मास्टर, फिर PhD, मतलब जो PhD वालों को ये लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये क्या है जी, बेसिक पर पेज प्राइस ग्रिड और फिर नॉन वर्ड असाइनमेंट, मतलब कि नॉन वर्ड असाइनमेंट मतलब कि जिसमें मैथ, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग, ये थोड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए इनके पैसे जो है ना इन्होंने ज़्यादा रखे हुए हैं,
ठीक है। अब हम लोग जो है वो चलते हैं जी रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, अब जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका यूजर ईमेल और पासवर्ड वगैरह जो है ना वो आपसे मांगेंगे। तो आपने यूजर ईमेल पासवर्ड वगैरह जब डाल देंगे तो आपका ये वाला पेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा। आपने अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे तो उससे आपकी वेरिफिकेशन होगी। अब उसके बाद जब आप जो है वो मोबाइल नंबर ऐड करके यूजर ईमेल पासवर्ड डालकर एंटर करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब प्राइमरी सब्जेक्ट आप देखेंगे आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है ना वो प्राइमरी सेलेक्ट करना है। प्रेफर सब्जेक्ट, प्लीज चूज सब्जेक्ट यू एंजॉय द मोस्ट एंड वुड लाइक टू टारगेट फॉर। अब यहाँ पे आपने वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस पे आपकी कमांड है, जिसको आपको लगता है कि मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो बायोलॉजी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, क्रिएटिव राइटिंग है, डाटा साइंस है, एजुकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, नर्सिंग हिस्ट्री है, जो भी आपको लगता है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर तरह के फील्ड के सब्जेक्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बायोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यू योर चॉइस विल शेप द टेस्ट असाइनमेंट एंड फ्यूचर ऑर्डर। अच्छा ये बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपने ऑर्डर सेलेक्ट करने हैं ना, ये आपने बहुत सोच समझ के ऑर्डर सेलेक्ट करने हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आप जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट का टास्क होगा और उसी से रिलेटेड आपको ऑर्डर यहाँ पे शो होंगे। तो इसलिए जो आपका इंटरेस्ट है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेकेंडरी में आप देखिए, आपने सेकेंडरी में यू कैन सेलेक्ट अप टू 5 सेकेंडरी सब्जेक्ट। प्राइमरी में आपने एक ही सेलेक्ट करना है और सेकेंडरी में आप 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इस तरह मैंने यहाँ पे जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जैसे हेल्थ केयर एंड नर्सिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इंग्लिश लिटरेचर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जी फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस। ये अब आपने अपनी मर्जी के सब्जेक्ट, यहाँ पे एक मैंने साइकोलॉजी सेलेक्ट कर लिया। 5 टोटल आपने सेलेक्ट करने हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपने ये सेलेक्ट करने हैं 5 सब्जेक्ट, प्राइमरी में 1, सेकेंडरी में 5। उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म, वी सेंड यू अ कन्फर्मेशन ईमेल, प्लीज प्लीज यूज इट कन्फर्म डेट योर ईमेल एड्रेस एंड प्रोसीड विद रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये ईमेल जो है ना वो आई होगी, वो ईमेल पे आपने क्या करना है, कन्फर्म करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये ईमेल मुझे आई हुई है और इस पर मैंने जो है वो क्लिक कर दिया है कन्फर्म पे, ठीक है जी। आपकी ईमेल जो है ना सक्सेसफुली कंफर्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है अब आपका राइटिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, राइटिंग टेस्ट 3 डेज, राइटिंग टेस्ट विद द राइटिंग टेस्ट यू विल डेमोंस्ट्रेट योर स्किल एंड नॉलेज ऑफ द चूजन सब्जेक्ट। यू हैव 72 आवर्स टू फिनिश एंड अपलोड द कम्प्लीट असाइनमेंट। काउंट डाउन विल स्टार्ट आफ्टर यू डाउनलोड द असाइनमेंट फाइल, ठीक है। यहाँ पे जी क्या करना है, आपने ये आपकी टेस्ट की असाइनमेंट है, इसको आपने क्या करना है जी, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आपने टाइप करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है फाइल। तो यहाँ पे लाइक जैसा मैं इस पर मैं डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरी फाइल जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ये बायोलॉजी ही की फाइल उन्होंने मुझे शेयर की हुई है, तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। टेस्ट की ये मेरी असाइनमेंट है। अच्छा, अब जो है ना वो बात होती है जी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको जो भी आपकी फाइल होगी उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करके आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वो टेस्ट वाला पोर्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि ये जो आपको राइटिंग टास्क दिया गया है आपने 72 आवर्स के अंदर कम्प्लीट करना है। यू हैव 72 आवर्स टू फिनिश एंड अपलोड द कम्प्लीट असाइनमेंट। आपके पास 72 आवर्स मतलब 3 दिन है इस असाइनमेंट को सबमिट करवाने के लिए, ठीक है। दो सबमिट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट वाला ऑप्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा और टेस्ट आपने जो ग्रामर का टेस्ट होगा वो टेस्ट आपने पास करके इस अकाउंट को जो है ना वो अप्रूवल ले लेनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है वेबसाइट के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने इसकी असेस कैसे लेनी है। जब ये आप राइटिंग टास्क जमा कर देंगे उसके बाद आपका जो ग्रामर का टेस्ट है ना वो स्टार्ट होगा। 72 आवर्स में इसको लिख के यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आप अपना टेस्ट कंप्लीट करें ग्रामर का। फिर उसके बाद जब अपना टेस्ट ग्रामर का पास कर लिया और इसमें पास हो गए तो आपको इसकी अप्रूवल मिल जाएगी और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे विदाउट किसी इस इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।